हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप यदि वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसके अंदर है वो आप वीडियो एडिटिंग के अंदर आप ग्रीन इफेक्ट है उसे रिमूव कैसे करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ग्रीन इफेक्ट रिमूव करना मैं आज आपको कैम्टिशा नाम के एक सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि उसके अंदर आप लोग है वो ग्रीन इफेक्ट है वो कैसे रिमूव करोगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको दो ऐसे तरीके बताऊंगा मैं, जिससे दोनों तरीकों से आप बहुत ही इजी तरीके से, दोनों तरीके से जो आपको कंफर्टेबल लगे या आपको जो सिंपल तरीका लगे उस तरीके से आप वो ग्रीन इफेक्ट है हटा सकते हो और अपना मन चाहा बैकग्राउंड है उसके पीछे दे सकते हो। आपको जो भी बैकग्राउंड अच्छा लगे तो आप ग्रीन इफेक्ट को हटा के उसको रिमूव करके वहां से पूरा का पूरा गायब करके अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट बैकग्राउंड लगता है वीडियो के हिसाब से तो वो आप बैकग्राउंड है वहां पे दे सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं, आपको ग्रीन इफेक्ट रिमूव करना बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपने कैम्टिशा के अंदर, जैसे मान लो ये एक वीडियो है वो आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, और आपके पीछे वो ग्रीन इफेक्ट का पर्दा है वो लगाया हुआ है, तो इसको आपको रिमूव करना है और इसकी जगह आपको जो अच्छा बैकग्राउंड लगता है वो यहाँ पे आपको लगाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा सकते हो। यहाँ से आपको वो फोटो या इमेज इंपोर्ट करनी है जो मतलब आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो। तो चलिए मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ जो मुझे बैकग्राउंड के अंदर है वो लगानी है, ठीक है। सपोज ये वाली देखिए, ठीक है, मैं ये बैकग्राउंड के अंदर है वो लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से चक के इस वीडियो के पीछे लेके जाऊंगा। ध्यान रहे, जो चीज आपको बैकग्राउंड में लगानी है वो वीडियो की क्लिप के नीचे, यानी यदि वीडियो ट्रैक नंबर 2 पे है तो ये वाली जो बैकग्राउंड आप लगाना चाहते हो वो ट्रैक नंबर 1 पे होना चाहिए, यानी वीडियो उसके ऊपर होना चाहिए, बैकग्राउंड उसके पीछे होना चाहिए। एजिट मैंने जैसा किया वैसा का वैसा। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, तब कैसे करूंगा तो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको कहाँ पे आना है, मॉडिफाई पे आपको आना है, मॉडिफाई पे आपको आना है। मॉडिफाई पे जैसे ही आप आते हो तो एड इफेक्ट पे आना है, फिर आप यहाँ पे आओगे, उसके नीचे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन रिमूव कलर, रिमूव ए कलर, तो इस पे आपको वो सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ से आना है, यहाँ पे आपको एक पेंसिल सी दिखाई दे रही होगी, तो इस पेंसिल को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको वीडियो पे जाना है और वीडियो पे जाके जहाँ आपका ग्रीन इफेक्ट है वहाँ पे आपको पेंसिल से वैसे टिक करना है। जैसे ही आप टिक कर दोगे, टिक करने के बाद में आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में वो पीछे वाली पिक है वो आ गई। अब पीछे वाली पिक को सेलेक्ट करूंगा मैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की और अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूंगा ताकि बैकग्राउंड है वो पूरा पूरा कवर हो जाए। बाकी ये वेस्टेज जितना भी है इसको मैं यहाँ से ये देखिए क्रॉप कर दूंगा, तो ऐसे आप वह क्रॉप कर देना। फिर आपको यहाँ कुछ हाथों पे दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो ये आप है वो कैसे हटाओगे, तो ये हटाने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और यहाँ ग्रीन इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा सॉफ्टनेस, तो इसको आपको वो थोड़ा कम करोगे, तो ये इसको थोड़ा सा कम करना है और आपका ये जो वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे तो हाथों में जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो कलर हट चुका है। तो इस तरीके से आप वो हटा सकते हो। ध्यान रहे सॉफ्टनेस है वो बिल्कुल आपको जीरो करना है और इसको थोड़ा थोड़ा है वो बढ़ाना है। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये जो चिन्ह है वो हटते जाएंगे। आप फोटो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आए सेलेक्ट किया और इस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ से फोटो को भी छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको जितना भी छोटा करना है या बड़ा करना है बैकग्राउंड के हिसाब से, आप जैसे उस फोटो को सेट करना चाहते हो वैसे आप सेट कर सकते हो। ये तो रहा एक नंबर तरीका। अब दो नंबर तरीके से आप बैकग्राउंड कैसे रिमूव करोगे, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी दूसरा स्टेप उससे आप रिमूव कलर है वो कैसे करोगे। तो चलिए दूसरे पे बात करते हैं। तो चलिए दूसरे तरीके पे है वो बात, यानी दूसरे तरीके से आप कैसे रिमूव करोगे, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो एज इट इज मैंने वो फोटो यहाँ उठाई, यहाँ पे रख दी, वीडियो ऊपर है और बैकग्राउंड हमेशा वीडियो के नीचे होना चाहिए, यानी यदि वीडियो ट्रैक नंबर 2 पे है तो ये ट्रैक नंबर 1 पे होना चाहिए।
ठीक है, यानी वीडियो के नीचे होना चाहिए और जो बैकग्राउंड आपका हमेशा वीडियो के नीचे ही होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिए। अब ये तो मैंने आपको बता दिया था मॉडिफाई के अंदर, अब आपको यहाँ पे मोर ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ इफेक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक जादुई पेंसिल सी बनी हुई, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट नज़र आएंगे, तो आप बहुत सारे इफेक्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब मैं आपको जो मेन दिखाने वाला हूँ ग्रीन इफेक्ट, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक रिमूव कलर, तो इसको आपको यहाँ से चकना है और उठा के वीडियो पे लेके जाना है। वीडियो पे जैसे आप लेके जाओगे वहाँ पे लेके जाने के बाद जस्ट आपको छोड़ देना है, तो फिर आप देखोगे यहाँ पे आपको कलर वाला दिखाई दे रहा है, फिर वही सेम प्रोसेस है, आपको पेंसिल को सेलेक्ट करना है और इसको हटा देना है, तो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ और टेक्निकल से रिलेटेड जानकारी फ्री में लेते रहे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर करें। फिर भी आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर मैंने कोई ऐसा स्टेप छोड़ दिया है या बाकी रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर करें, धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के जो फीचर होते हैं उनसे वो भी रूबरू हो जाए, तो अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर है वो जरूर करें व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। तो जो भी आपके दोस्त हैं वीडियो एडिटिंग का शौकीन रखते हैं तो उनके साथ है वो वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी है वो ग्रीन इफेक्ट है वो रिमूव करना सीख सकें, धन्यवाद।